Good evening, everyone. This is Simarpreet Singh, and I'm back with economics lecture number 3 for class 11th. In the past two lectures, we have been covering demand, which is the topic of microeconomics. And in today's class, I'll be covering a very significant, a very important section of this chapter, demand, which is known by the name of law of demand. Before beginning the lecture, I would like all of you to like the lecture, leave a valuable comments, as it helps with the YouTube algorithm and serves as a huge motivation booster for me as well. If you require more information regarding our classes, regarding our team, you can check out rustycircle.com, which is our official website. For classes which are conducted both online as well as offline, in and outside of India, you can contact 8851399893, and you can also download our official app at Rusty Circle from your Play Store, Android. Let's begin. Now, हम लोग इस चैप्टर में तक क्या कवर कर चुके हैं, हमने डिस्कस किया डिमांड रिफर्स द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू परचेज एट ईच पॉसिबल प्राइस इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम इन द मार्केट। डिमांड की जब हम लोग बात करते हैं तो हम कहते हैं कि कंज्यूमर जो है वो चीजों की डिमांड करता है अलग अलग पॉसिबल प्राइस पे ड्यूरिंग गिवन पीरियड ऑफ टाइम पे। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं, देयर आर वैरायटी ऑफ फैक्टर्स जो इफेक्ट डिमांड। हमने ये भी डिस्कस किया था कि इंडिविजुअल डिमांड क्या होती है और मार्केट डिमांड क्या होती है। इंडिविजुअल डिमांड वो डिमांड है जो एक सिंगल कंज्यूमर की है, जबकि मार्केट डिमांड वो डिमांड है ऑल कंज्यूमर्स की होती है। इंडिविजुअल डिमांड इज द डिमांड ऑफ अ कंज्यूमर, व्हाइल मार्केट डिमांड इज द डिमांड ऑफ ऑल कंज्यूमर्स। इन टुडेज़ क्लास आई विल बी कवरिंग अ वेरी स्पेशल टॉपिक बाय द नेम ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। If you have not watched the previous two lectures, I'll urge you to first watch those two lectures and then jump back on it. Let's start. Now, आओ जरा देखते हैं हम लोगों ने आज की क्लास में क्या चीजें कवर करनी है। हम यहाँ पर ये सब चीजें ऑलरेडी क्लास के अंदर कवर कर चुके हैं, सो वी विल मूव फर्दर। ओके, सो लेट्स सी, वी विल ट्राई विद लॉ ऑफ डिमांड टुडे। पहले मैं लॉ ऑफ डिमांड की डेफिनेशन आपके सामने रीड करता हूँ। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड कीपिंग अदर फैक्टर्स कॉन्स्टेंट व्हिच इज आल्सो नोन इन लैटिन एज सेटेरस पैरामस। मैं क्या कह रहा हूँ, लॉ ऑफ डिमांड की डेफिनेशन ये स्टेट करती है, लॉ ऑफ डिमांड बेसिकली टॉक्स अबाउट द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। अगर आप लोग याद करोगे जब मैंने आपके साथ में इंडिविजुअल डिमांड के फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्कस किए थे, तो वहां पर मैंने कहा था जब प्राइस किसी चीज का बढ़ता है तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है, और जब किसी चीज का प्राइस कम होता है उसकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। हम लोगों ने ये चीज क्लास में डिस्कस करी थी। जब एक वेरिएबल ऊपर की तरफ जा रहा है और दूसरा वेरिएबल नीचे की तरफ आ रहा है, ये क्या शो करता है, ये क्या सिग्निफाई करता है? इट शोज इनवर्स रिलेशनशिप। ये सिग्निफाई करता है इनवर्स रिलेशनशिप को। तो वैसे ही लॉ ऑफ डिमांड उसी चीज को दोबारा रिपीट करता है। वो कहता है लॉ ऑफ डिमांड बेसिकली टॉक्स अबाउट द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। लेकिन जब हम इस फैक्टर की बात करते हैं ना, तो हम बाकी सारे फैक्टर्स को कॉन्स्टेंट अज्यूम करते हैं। जितने भी फैक्टर्स आपने सारे पढ़े हैं ना आज से पहले, वो सारे सारे फैक्टर्स हम लोग कॉन्स्टेंट अज्यूम करेंगे, चाहे वो टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो, चाहे वो इनकम ऑफ द कंज्यूमर हो, चाहे वो सब्स्टिट्यूट गुड्स हो, चाहे वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो, हम सारे के सारे फैक्टर्स को कॉन्स्टेंट एज्यूम करेंगे जब हमने लॉ ऑफ डिमांड को पढ़ना होगा तो। और यही चीज बेटा कीपिंग अदर फैक्टर्स कॉन्स्टेंट को ना हम लैटिन में सेटेरस पैरेबस कहते हैं। ये वर्ड आपको याद होना चाहिए। वर्ड क्या है? वर्ड इज सेटेरस पैरेबस। सो अगर मैं आपसे लॉ ऑफ डिमांड की डेफिनेशन की बात करता हूँ, लॉ ऑफ डिमांड सिंपली स्टेट्स द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड कीपिंग अदर फैक्टर्स कॉन्स्टेंट। लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ इतनी सी बात करता है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में एक इनवर्स रिलेशनशिप है। अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी, अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। और इस चीज को पढ़ते समय बाकी फैक्टर्स को हमेशा कांस्टेंट एज्यूम करना, बाकी फैक्टर्स को कांस्टेंट एज्यूम करने को ही हम लोग सेटेरस पैरेबस कहते हैं। अब आप लोगों के सामने अगर आप लोग देखोगे तो आपके सामने एक शेड्यूल इन्होंने शो कर रखा है जो हम डिमांड शेड्यूल कहते हैं। अगर आप इस डिमांड शेड्यूल को ध्यान से देखोगे तो इस डिमांड शेड्यूल के अंदर क्या है, हम लोग प्राइस की बात कर रहे हैं और क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। प्राइस धीरे धीरे क्या हो रहा है, प्राइस धीरे धीरे कम हो रहा है। अगर प्राइस कम होगा तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, इसका रिजल्ट ये निकलेगा कि हमारी डिमांड बढ़ जाएगी। इफ प्राइस विल फॉल तो व्हाट विल द रिजल्ट, द रिजल्ट विल द डिमांड विल स्टार्ट राइजिंग। अगर आप ध्यान से देखोगे प्राइस आपका 5 4 3 2 1 ऐसे करके आपका प्राइस फॉल हो रहा है।
इसके रिजल्ट में क्या हो रहा है, आपकी डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही है, 1, 2, 3, 4, 5। तो बेसिकली डिमांड शेड्यूल भी क्या शो कर रहा है, ये भी हमारा इनवर्स रिलेशनशिप शो कर रहा है। अगर मुझे इसी को ही उल्टा बनाना होगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं प्राइस के यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 लिख सकता हूँ और क्वांटिटी के 5, 4, 3, 2, 1 लिख सकता हूँ। मतलब अगर प्राइस बढ़ाओगे तो क्वांटिटी कम हो जाएगी। इसी चीज का जब आप कर्व बनाते हो, इसी चीज का जब आप ग्राफ बनाते हो, तो वो कैसा बनता है, डिमांड कर्व आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है। कैसा बनता है वो आपका बनता है डाउनवर्ड स्लोपिंग। वो डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों बनता है, बिकॉज ये इनवर्स रिलेशनशिप को शो करता है। अगर आपका प्राइस बढ़ेगा तो आपकी डिमांड कम हो जाएगी, दैट इज वाई योर डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। ओके, सो अगली चीज जो हमारे पास यहाँ पर है वो है assumptions of law of demand। जब लॉ ऑफ डिमांड को पढ़ रहे हो तो कौन कौन सी चीजें आपको एज्यूम रखनी है, मैंने ये पहले ही डिस्कस कर लिया। व्हेनेवर वी आर स्टडिंग लॉ ऑफ डिमांड, हम हमेशा प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के रिलेशनशिप को देखते हैं, बाकी सभी फैक्टर्स को कॉन्स्टेंट एज्यूम करते हैं। तो बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं उनको कॉन्स्टेंट लिखने को ही हम लोग assumptions कहते हैं। प्राइस और सब्स्टिट्यूट गुड्स डू नॉट चेंज, price of complementary goods do not change, income of the consumer remains the same, there is no expectation of price change in future, and taste and preferences remain the same। तो ये सिंपल सी चीज क्या है, जब भी आपको लॉ ऑफ डिमांड को स्टडी करना है, इसको पढ़ने के लिए बाकी सब फैक्टर्स को कॉन्स्टेंट एज्यूम करना जरूरी है। That is why इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं assumptions of law of demand। और ये assumptions of law of demand क्या है, बाकी सब factors को constant assume करो। अगर आपको recall हो रहा हो, इसको Latin में हम लोग क्या कहते हैं, इसको Latin में हम लोग ceteris paribus कहते हैं। अच्छा, अब कुछ important facts की बात कर लेते हैं law of demand के बारे में। If I talk about some important facts about law of demand, तो आप लोग यहाँ पे देखोगे, आपके सामने पहला जो fact लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है inverse relationship। क्या लिखा हुआ है आपके सामने, इनवर्स रिलेशन, मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। इनवर्स रिलेशनशिप का सिंपल सा मतलब क्या है, अगर प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी, अगर प्राइस कम होगा क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी। बिकॉज ये वेरिएबल्स उल्टी नेचर के अंदर बढ़ रहे हैं, उल्टी नेचर में कम हो रहे हैं, इसको हम लोग इनवर्स रिलेशनशिप कहते हैं। अच्छा, सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्वालिटेटिव नॉट क्वांटिटेटिव। इस चीज का मतलब क्या होता है, अगर मैं आपसे डिमांड की बात करता हूँ ना, ये डिमांड का पूरा कॉन्सेप्ट जो है ये क्वालिटेटिव है। नंबर्स में कभी भी अलग ले सकता हूँ, मैं 1, 2, 3, 4, 5 की जगह 10, 15, 20, 25 भी ले सकता हूँ, जो मेरा मन करे मैं वो नंबर्स ले सकता हूँ, लेकिन डिमांड की क्वालिटी एक ही रहेगी कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी, अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी, दैट विल ऑलवेज रिमेन द सेम। डिमांड का पूरा कॉन्सेप्ट जो है ये क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव नहीं है। तीसरा कह रहे हैं हमारे को नो प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप। बेटा प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, प्रोपोर्शन का मतलब आपको एक ट्रेंड देखने को मिलता है। मान लो मैं कहता हूँ आपको, मैंने जो आपको पहले शेड्यूल बनाया था, मैंने क्या किया था, मैंने कहा था 5, 4, 3, 2, 1 प्राइस कम हो रहा है, डिमांड 1, 2, 3, 4, 5 जो है बढ़ रही है, मैंने एक ट्रेंड में आपको शो किया था। मैं इसी चीज को अलग से भी शो कर सकता हूँ, मैं वहां पे 1, 3, 12, 15, 29, 99 और डिमांड में अलग से चेंजेस शो कर सकता हूँ। मतलब डिमांड और प्राइस की जब मैं रिलेशनशिप की बात करता हूँ ना, तो ये हमेशा एक क्वालिटेटिव रिलेशनशिप है। पहली बात तो आपको समझ आ गई, दूसरा ये प्रोपोर्शन में होना जरूरी नहीं है, हो सकता है ये अलग तरीके से चेंज हो सकता है कि आपका प्राइस जो है वो एक एक करके बढ़ रहा हो और आपकी डिमांड जो है वो दो दो करके फॉल हो रही हो सकता है आपका प्राइस जो है दो दो करके बढ़ रहा हो और आपकी डिमांड 100-100 से फॉल हो रही हो। मतलब इनका आपस में कोई प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप नहीं है, कोई मैथमेटिकल रिलेशनशिप नहीं है। बस इतनी सी बात है, अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी, अगर प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड हमारी बढ़ जाएगी। अच्छा, लास्ट चीज कह रहे हैं टॉकिंग अबाउट इज वन साइडेड। इस वन साइडेड का मतलब क्या होता है, इस वन साइडेड का मतलब यहाँ पर ये है कि जब हम लोग डिमांड को स्टडी कर रहे हैं ना, हम प्राइस के अकॉर्डिंगली डिमांड को स्टडी कर रहे हैं। हम कह रहे हैं प्राइस के बढ़ने की वजह से डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस के कम होने की वजह से डिमांड बढ़ जाएगी, ये वाइस वर्सा नहीं हो सकता। मैं ये नहीं कह सकता कि डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस कम हो जाएगा, ये चीज पॉसिबल नहीं है। मैं ये नहीं कह सकता कि डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस कम, दैट इज नॉट पॉसिबल। What I am talking about is a one-sided relationship. I am talking about the effect of price on demand. Price की चीज़ की वजह से डिमांड पे क्या चेंज होगा, क्या आएगा, ये vice versa चीज़ नहीं हो सकती। अच्छा,
अब हम इसके एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आते हैं जिसको हम लोग कहते हैं रीजंस फॉर लॉ ऑफ डिमांड। क्या कहते हैं हम इसको? हम इसे कहते हैं रीजंस फॉर लॉ ऑफ डिमांड। आओ इसको एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। रीजंस फॉर लॉ ऑफ डिमांड में अगर आप अपना पहला रीजन देखोगे तो ये आपके पास सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के नाम से दिखा। एक इसके अंदर एक हमारे पास मार्जिन यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट भी होता है। मैं अभी उसको इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा हूँ बिकॉज वो आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के साथ पढ़ाया जाता है। जब डिमांड चैप्टर कवर होने के बाद हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, वहां पर मैं आपके सामने मार्जिन यूटिलिटी MUX MUI ये सब चीज़ें डिस्कस करूंगा। सो उससे पहले अगर मैं आपसे रीजंस फॉर लॉ ऑफ डिमांड की बात करूं तो आपने मेरे साथ अभी क्या पढ़ना है? यू हैव टू स्टडी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, यू हैव टू स्टडी इनकम इफेक्ट, यू हैव टू स्टडी एडिशनल कस्टमर्स एंड यू हैव टू स्टडी डिफरेंट यूजर्स। आओ इसको एक करके समझने की कोशिश करते हैं। जब मैं आपसे लॉ ऑफ डिमांड की बात करता हूं तो मैंने आपको इतनी सी बात समझा दी, आपके ये मन में ये चीज चली गई है, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी, इनवर्स रिलेशनशिप है। अब बात करते हैं कि ऐसा होता क्यों है? Why is it so? ऐसा क्यों होता है किसी चीज के प्राइस बढ़ने की वजह से उसकी डिमांड कम हो जाती है? अगर मेरे को जरा सिर्फ टच करना हो एक टॉपिक के ऊपर तो मैं बात करता हूं आपसे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के बारे में। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब क्या है? ध्यान से मेरे साथ सोचना, मैं कुछ स्क्रीन पे लिख नहीं रहा, जस्ट थिंक इन योर माइंड। मैं आपसे बात करता हूँ सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में एंड मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेता हूँ आपके सामने कोक का और पेप्सी का। मैं आपको कहता हूं कि प्राइस जो है वो कोक का बढ़ जाता है। किसका प्राइस बढ़ जाता है? कोक का प्राइस बढ़ जाता है। पेप्सी के प्राइस में कोई चेंज नहीं है, पेप्सी पहले भी उतनी थी, पेप्सी आज भी उतनी है। प्राइस किसके में चेंज आया? प्राइस चेंज आया है कोक के। मान लो बेटा अगर कोक का प्राइस बढ़ जाता है, पेप्सी के प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, फिर भी पेप्सी इज रिलेटिवली चीपर, पेप्सी कोक के कंपैरिजन में सस्ती है। अगर पेप्सी कोक के कंपैरिजन में सस्ती है और कंज्यूमर्स को फर्क नहीं पड़ता कि मैं कोक पीऊं चाहे पेप्सी पीऊं, मुझे सेम सेटिस्फैक्शन मिलती है, तो मैं कोक को छोड़ दूंगा, मुझे उसका करना क्या? जब सेटिस्फैक्शन मेरे को सेम मिल रही है एंड पेप्सी इज रिलेटिवली चीपर एज कंपेयर टू कोक, तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से मैं कोक को छोड़ दूंगा और पेप्सी को कंज्यूम कर लूंगा। तो ये पहला हमारा इफेक्ट क्या बात करता है? आर फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट टॉक्स अबाउट कि जब हम लोग दो चीजों की बात करते हैं जिसके बीच में कंज्यूमर से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो किसी भी चीज को कंज्यूम कर सकते हैं, एक के प्राइस बढ़ने की वजह से लोग उसको छोड़ देते हैं, उसको छोड़कर वो उसके सब्स्टिट्यूट को कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं, उसके सब्स्टिट्यूट की डिमांड इंक्रीज हो जाती है। ये हमारा पहला रीजन है लॉ ऑफ डिमांड। वो तो बेटा अलग चीज होगी ना, टोंड और फिटिंग सब्स्टिट्यूट थोड़ा है, दोनों सेम लेवल सेटिस्फैक्शन थोड़ा मिलती है। टोंड अलग किस्म के लोग जिनको फिट हो रहा होता है वो लोग टोंड पीते हैं, जिनको लगता है कि नहीं नहीं हमारे को अभी भी जो है थोड़ी ताकत वगैरह चाहिए, स्ट्रेंथ वगैरह चाहिए, वो फुल क्रीम मिल्क पूछते हैं। तो फुल क्रीम और टोंड सब्स्टिट्यूट गुड्स हुए ही नहीं, सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से हुए? टी और कॉफी, जिन लोगों को लगता है कि इनसे हमारे को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलती है। सब्स्टिट्यूट कौन से हुए? कोक और पेप्सी। अगर ऐसे कंज्यूमर एग्जिस्ट करते हैं जिनको लगता है कि टोंड और फुल क्रीम से सेम सेटिस्फैक्शन मिलती है, तब वो इस कैटेगरी में आएंगे, और अगर वो इस कैटेगरी में आएंगे तब भी उनके साथ में सेम होगा। अगर एक का प्राइस बढ़ेगा तो वो दूसरी जो रिलेटिवली चीपर हो जाएगी वो लोग उस चीज को कंज्यूम कर लेंगे। जैसे मैं पेप्सी और कोक की बात करूं, पेप्सी का प्राइस बढ़ा, कोक रिलेटिवली चीपर होगी, कोक कंज्यूम कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास इसके अंदर इनकम इफेक्ट। जब हम लोग इनकम इफेक्ट की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं? मान लो मैं कहता हूँ किसी चीज का प्राइस जो होता है वो गिर जाता है। इस चीज का क्या होता है? प्राइस जो होता है वो गिर जाता है। पहले कोई चीज 10 रुपए की थी, अब वो चीज कितने की होगी? 8 रुपए की होगी। अगर किसी चीज का बेटा प्राइस कम हो जाता है ना, आपकी इनकम उतनी की उतनी हो, आप एक कंपनी में काम करते हो, आपको पहले भी 1000 रुपए मिलते थे, आपको आज भी 1000 रुपए मिलते हैं, लेकिन मेरे को एक बात सोच के बताना, क्या आपकी परचेजिंग पावर नहीं बढ़ जाएगी? ध्यान से मैं इस बात का मतलब समझना। मैं आपको कहता हूँ आपके पास 1000 रुपये आते हैं, कितने रुपए आते हैं आपका इस कंपनी से? 1000 रुपीज आपके पास आते हैं। पहले एक चीज़ 10 रुपये की थी, अब वो चीज़ 5 रुपये की है। अगर आप मार्केट में 10 रुपये लेके आ रहे थे तो आप एक चीज़ खरीद पाते थे, अब जब वो चीज़ 5 रुपये की होगी तो उसी 10 रुपये से आप दो चीज़ें खरीद पाओगे कि नहीं खरीद पाओगे? योर परचेजिंग पावर विल इंक्रीज, आपकी खरीदने की क्षमता जो होगी, आपकी परचेजिंग पावर जो होगी वो बढ़ जाएगी। यही चीज की बात हम लोग किसमें करते हैं? इनकम इफेक्ट में बात करते हैं। तो इनकम इफेक्ट में हम लोग सिंपल सी बात क्या कहते हैं?
जब भी किसी चीज का प्राइस गिरता है उसकी जो परचेजिंग पावर होती है वो बढ़ जाती है, और जब भी किसी चीज का प्राइस बढ़ता है तो कंज्यूमर की जो परचेजिंग पावर होती है वो कम हो जाती है। इनकम में कोई चेंज नहीं है, कंपनी पहले भी 1000 दे रही थी, कंपनी अब भी 1000 दे रही है, लेकिन प्राइस के चेंज होने की वजह से योर परचेजिंग पावर चेंजेस। यू आर गेटिंग इट? तो मैंने क्या कहा, मान लो पहले चीज 10 रुपए की थी, अब वो चीज 5 रुपए की हो गई, प्राइस गिर गया, आपकी जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ जाती है। आपकी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, इसका इफेक्ट क्या निकलता है, आप ज्यादा सामान खरीद लेते हो। फिर से दिस इज अ रीजन फॉर लॉ ऑफ डिमांड, प्राइस कम हुआ डिमांड बढ़ा दी हम लोगों। अच्छा, तीसरा आता है हमारे पास एडिशनल कस्टमर्स। क्या मतलब है, इस बात का ध्यान समझना। मैं दोबारा कहता हूँ कि आप एक कंपनी में काम करते हो और आपको 1000 रुपये मिलते हैं महीने के। महीने कितने पैसे मिलते हैं बेटा आपको? 1000 रुपये मिलते हैं। आपको 1000 रुपये मिलते हैं और एक चीज पहले 1200 रुपये की थी। कितने रुपए की थी पहले? 1200 रुपये की थी। अगर आपको महीने के ही 1000 रुपये मिलते हैं, क्या आप उस 1200 की चीज को खरीद सकते हो? नहीं खरीद सकते। लेकिन अचानक वो चीज 1200 से 800 की हो जाती है, क्या आप उस चीज को खरीद सकते हो? यस, खरीद सकते हो। प्राइस कम होने का एक इफेक्ट क्या होता है, बहुत सारे कस्टमर्स, बहुत सारे कंज्यूमर्स जो पहले उस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकते थे ना, वो उसको अब अफोर्ड कर सकते हैं, वो उसको अब खरीद सकते हैं। तो ये एडिशनल कस्टमर्स का पॉइंट हमारे को सिंपल सी बात क्या कहता है, ये सिंपल से हमारे को ये स्टेट करता है, जब भी किसी चीज का प्राइस कम हो जाता है तो ऐसे कस्टमर्स, ऐसे कंज्यूमर्स जो पहले उस चीज को खरीद नहीं सकते थे, नाउ दे हैव द कैपेबिलिटी ऑफ परचेसिंग। और कस्टमर्स आके सामान खरीदते हैं, प्राइस कम होने की वजह से डिमांड आपकी बढ़ जाती है। लास्ट हमारे पास आता है बेटा डिफरेंट यूजेस, और यहां मैं आपके साथ बात करूंगा एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल की, मिल्क की बात करते हैं। आप देखो हमारे घरों में मिल्क आता है, मिल्क के बड़े सारे यूजेस होते हैं। आप मिल्क मंगवाते हो, आप उस मिल्क को कई बार उबाल कर पी लेते हो, आप उस मिल्क से कभी कभी टी बना लेते हो, उस मिल्क से कभी कॉफी बना लेते हो, कई बार आपकी मदर मिल्क से स्वीट डिशेस बनाते हैं, जैसे खीर वगैरह, कोई ऐसी चीज भी मिल्क से बनाई जाती है। एट द सेम टाइम कभी कर्ड बनाना हो या किसी चीज का, तो उसमें भी आप मिल्क को वगैरह को यूज करते हो। तो मिल्क की वैरायटी ऑफ यूजेस है, मिल्क के डिफरेंट डिफरेंट यूजेस है। मान लो मिल्क का प्राइस बहुत बढ़ जाता है, मिल्क का प्राइस एग्जॉर्बिटेंटली इंक्रीज हो जाता है, तो आपके घर वाले क्या करेंगे, मिल्क को सिर्फ और सिर्फ ड्रिंकिंग पर्पस के रख लेंगे, उससे खीर वगैरह नहीं बनाएंगे। और मान लो मिल्क का प्राइस कम हो जाता है, मिल्क सस्ता हो जाता है, तो उस मिल्क को हर यूज के लिए यूज करेंगे, उस मिल्क से पनीर भी बनाएंगे, उस मिल्क से दही भी बनाएंगे, उस मिल्क को पियेंगे भी, टी कॉफी भी बनाएंगे, खीर भी बनाएंगे, तो यहाँ पे सब कुछ करेंगे। तो इस डिफरेंट यूजेस का मतलब क्या है, अगर किसी चीज का प्राइस कम होता है तो आप उस चीज को हर तरीके से यूज करते हो, हर वेराइटी में यूज करते हो, डिमांड बढ़ जाती है। और अगर किसी चीज का प्राइस बढ़ जाता है तो आप उसको सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों के लिए यूज करते हो और लेस इंपॉर्टेंट चीजों के लिए छोड़ जाते हो। इन सब का इफेक्ट बेटा यही निकल कर आ रहा है, प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी, प्राइस कम होगा क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी। ये चारों चीजें हमने डिस्कस करी हैं, ऑल दीज फोर थिंग्स टॉक अबाउट द रीजंस फॉर लॉ ऑफ डिमांड। ऐसा क्यों है कि प्राइस बढ़ने की वजह से डिमांड कम हो जाती है और प्राइस कम होने की वजह से डिमांड इंक्रीज हो जाती है। अच्छा, आगे हमारे पास इसके अंदर एक टॉपिक आता है जिसको हम लोग कहते हैं एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड। बेटा लॉ ऑफ डिमांड तो अब तक आप लोगों को समझ आ गया कि लॉ ऑफ डिमांड का सिंपल सा मतलब क्या है, कि आपका प्राइस बढ़ा आपकी डिमांड कम हो गई, आपका प्राइस कम हुआ आपकी डिमांड बढ़ गई। यहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड। ऐसा कब होता है कि प्राइस बढ़ने के बावजूद डिमांड कम नहीं है? ऐसा कब होता है कि प्राइस कम होने के बावजूद डिमांड इंक्रीज नहीं होती? व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जहां पे लॉ ऑफ डिमांड चलता नहीं, जहां पे लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होती? तो आओ एक एक करके इनको पढ़ने की कोशिश करते हैं। पहला हमारे पास आया है एक कॉन्सेप्ट जिसको हम लोग गिफिन गुड्स कहते हैं। इसे बेटा गिफिन गुड्स भी कहा जाता है, इसे हम लोग गिफिन्स पैराडॉक्स भी कहते हैं, और इसे किसने प्रेजेंट किया था, सर रॉबर्ट गिफिन नाम के इकोनॉमिस्ट ने इसको प्रेजेंट किया था। सर रॉबर्ट गिफिन एक बात कहते हैं, सर रॉबर्ट गिफिन कहते हैं कि मान लो कि मैं आपसे बात करता हूँ इन्फीरियर गुड्स के बारे में। मैंने डिस्कस किया था आपका पिछली क्लास में, इन्फीरियर गुड्स ना अच्छे गुड्स नहीं होते। जब किसी की इनकम बढ़ती है तो वो इन्फीरियर गुड्स को कंज्यूम नहीं करता, वो कहते हैं मुझे ये गुड्स अच्छे नहीं लगते। अच्छा, मान लो मैं आपसे ना सीरियल्स की बात करता हूँ। मैं किसकी बात करता हूँ? सीरियल्स की बात करता हूँ। सीरियल्स में हमारे पास गेहूं आता है जिसको हम लोग वीट कहते हैं, हमारे पास ज्वार आता है, हमारे पास बाजरा आता है। ज्वार और बाजरा ऐसी चीजें होती है कि अगर उसका प्राइस कम हो जाता है ना तो आप लोग कंज्यूम नहीं करते।
आप लोग वीट को ज्यादा प्रेफर करते हो ओवर ज्वार एंड बाजरा। आपके घरों में, आपने घरों में कई बार देखोगे तो आपके जो घर पे रोटियां वगैरह बनाई जाती, चपाती बनती हैं, वो वीट से बनती हैं एज कम्पेयर टू ज्वार एंड बाजरा, अगर आपको ये चीज हो तो। अगर आप उसकी मेडिकल एस्पेक्ट से देखोगे, हेल्थ एस्पेक्ट से देखोगे, तो बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो प्रूव करती हैं दैट ज्वार एंड बाजरा आर बेटर देन वीट। लेकिन फिर भी हमारे को पसंद क्या है, वीट पसंद है, हम वीट की चपातीज बनाते हैं, हम वीट के फॉर्म्स में कंज्यूम करते हैं। तो ज्वार और बाजरा वीट के कंपैरिजन में क्या हो गए, इंफीरियर गुड्स हो गए, घटिया गुड्स हो गए। अगर ज्वार और बाजरा का प्राइस बढ़ता है ना, तो लोगों को लगता है कि बड़ी सही चीज है, ज्वार और बाजरा जो है कोई अच्छी चीज है, इसकी डिमांड बढ़ा देते हैं। और अगर इसका प्राइस कम होता है, लोगों को लगता है नहीं यार ज्वार एंड बाजरा अच्छी चीज नहीं है, इसको छोड़ दो, इसकी डिमांड बढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो ये उल्टा हो गया यहाँ पे इस केस के अंदर। यही बात करते हैं सर रॉबर्ट गिफिन, गिफिन गुड्स के बारे में, कि कुछ ऐसे इन्फीरियर गुड्स हैं जिनके प्राइस बढ़ने की वजह से लोगों ने कंज्यूम कर लेते हैं, और प्राइस कम होने पर लोगों ने कंज्यूम नहीं करने, घटिया समझ लेते हैं। अगला आता है इसके अंदर हमारे पास स्टेटस गुड्स, जिन्हें हम लोग गुड्स ऑफ ऑस्टेंटेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट इज स्टेटस गुड्स और गुड्स ऑफ ऑस्टेंटेशन। स्टेटस गुड्स या गुड्स ऑफ ऑस्टेंटेशन के एग्जांपल्स में हमारे पास डायमंड आता है, एंटीक पेंटिंग्स आती हैं, और बहुत सारी चीजें आती हैं। अगर आप इसको ध्यान से समझोगे, तो मैंने कहा कि जब मैं स्टेटस गुड्स की बात करता हूँ, ये ऐसे गुड्स हैं जो रिच क्लास के लिए बने होते हैं। डायमंड्स की बात करी, गोल्ड की बात करी, बहुत ही मशहूर एंटीक पेंटिंग्स की बात, मोनालिसा की पेंटिंग वगैरह होती है। अगर इनका प्राइस बढ़ता है ना, तो रिच लोग कहते हैं कि डिमांड करते हैं, हमारे पास शो ऑफ के लिए होना चाहिए, इन्हें हम लोग गुड्स ऑफ ऑस्टेंटेशन कहते हैं, हमारा स्टेटस सिंबल इनसे मेंटेन होगा। तो जब किसी चीज का प्राइस बढ़ता है ना, डायमंड का, गोल्ड का, एंटीक पेंटिंग्स का, रिच क्लास की डिमांड को बढ़ा देते हैं। और जब इनका प्राइस कम होता है, नहीं नहीं अच्छी चीज नहीं है, इसको छोड़ देते हैं, अब हमारा स्टेटस नहीं बन पाएगा इससे, लेट अस लीव इट। तो ये हमारे पास क्या आते हैं, स्टेटस सिंबल गुड्स या गुड्स ऑफ ऑस्टेंटेशन, जिनका प्राइस बढ़ने से रिच क्लास लगता है कि हमारा ये स्टेटस बनेगा, वो उसकी डिमांड बढ़ा देते हैं, एंड प्राइस कम होने से लगता है स्टेटस नहीं बन पाएगा, वो उसकी डिमांड को कम कर देते हैं। अच्छा, अगले हमारे पास बहुत आसान आसान आते हैं, आओ इसको देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है, उसको हम लोग कहते हैं फियर ऑफ शॉर्टेज। नेक्स्ट जो हमारे पास, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं फियर ऑफ शॉर्टेज। फियर ऑफ शॉर्टेज का मतलब क्या है, अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी चीज है जिसकी शॉर्टेज होने वाली, जिसकी कमी होने वाली है, तो उसके बढ़े हुए प्राइस पर भी आप उस सामान को खरीद लेते हो। मैं आपको एग्जाम्पल दूं, अभी कोविड पैंडेमिक का, कोविड पैंडेमिक के टाइम पे स्टार्टिंग में बहुत लोगों को डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि सैनिटाइजर्स वगैरह की कमी पड़ जाए, जो हेल्थ रेट प्रोडक्शन की कमी पड़ जाए। लोगों ने क्या करना शुरू करा कि फटाफट उनको स्टॉक करना शुरू कर दिया अपने घर पे, बढ़े हुए प्राइस पर भी सामान खरीदना शुरू करा, प्राइस इंक्रीज हुआ फिर भी क्वांटिटी डिमांडेड को इंक्रीज करा। तो वो हमारे पास क्या हो रहा है, फियर ऑफ शॉर्टेज, जहां प्राइस बढ़ने के बावजूद आप क्वांटिटी डिमांडेड को इंक्रीज करते हैं। फिर चौथा तो बहुत ही आसान, इसको हम लोग इग्नोरेंस कहते हैं। मान लो एक कस्टमर ऐसा है, कंज्यूमर ऐसा है, जिसको पता ही नहीं है, जिसे फर्क ही नहीं पड़ता, सामान महंगा हो सामान सस्ता, उसको तो बस सामान खरीदना था, ही इज इग्नोरेंट। मान लो दो दुकानें हैं, एक दुकान पे एक बॉटल 100 की मिल रही है, दूसरे पे 70 की मिल रही है, कस्टमर को पता ही नहीं है कि हाँ मुझे सस्ती मिल सकती है, वो हड्डी खरीद के घर पे आ जाता है। तो कई बार इग्नोरेंस की वजह से भी प्राइस बढ़ने पर भी अपनी डिमांड को आप बढ़ा लेते हैं। फिर आता है हमारे पास फैशन रिलेटेड गुड्स। कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जो फैशन से रिलेटेड होते हैं, जिन चीजों का फैशन होता है, वहां प्राइस बढ़ने के बावजूद आप उनकी डिमांड को इंक्रीज कर लेते। फिजर स्पिनर्स की बात मैंने आपसे करी थी, जब उन फिजर स्पिनर्स की हम लोग बात करते थे, तो उस टाइम पे बहुत फैशन चल रहा था, ट्रेंड चला था, प्राइस बड़े होने पर भी लोगों ने उसे खरीदा था। फिर आता है हमारे पास नेसेसिटी। अब देखो, नेसेसिटी तो एक ऐसी चीज है जिसका अगर प्राइस बढ़ भी जाए तब भी आप उसे खरीदना पड़ेगा। बच्चे पैदा होते हैं, उनको बेबी फॉर्मूला चाहिए होता है, उनको लैक्टोजन वगैरह चाहिए होता है, प्राइस बढ़ने के बावजूद पेरेंट्स उनके लिए खरीद कर लाते हैं, क्यों, बिकॉज दैट इज अ नेसेसिटी। मान लो आटा का प्राइस बढ़ जाता है, वीट का प्राइस बढ़ जाता है, क्या आपके घर वाले वीट कंज्यूम करना बंद कर देंगे, नहीं, वो तब भी वीट खरीद कर लेकर आएंगे। तो प्राइस बढ़े होने के बावजूद यू विल डिमांड फॉर दोस प्रोडक्ट्स। एंड लास्ट हमारे पास क्या है, लास्ट इज चेंज इन वेदर। चेंज इन वेदर का यहाँ पर मतलब क्या होता है, चेंज इन वेदर का मतलब है, मान लो बेटा बारिशें शुरू हो जाती है, रेनी सीजन हो जाता है, अम्ब्रेलाज जो है वो बहुत महंगे हो जाते हैं, क्या आप अम्ब्रेला नहीं खरीदोगे, आप तब भी अम्ब्रेला को खरीदोगे। आप विंटर्स में जाते हो, वुलन क्लोथ्स महंगे हो जाते हैं, क्या वुलन क्लोथ्स नहीं खरीदोगे, आप तब भी उन्हें खरीदोगे, बिकॉज वो आपके सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट है। वेदर के चेंज के साथ में प्राइस बढ़ने के बावजूद आप उस वेदर स्पेसिफिक गुड्स को खरीदते हो,
रेनी सीजन में अम्ब्रेलास खरीदोगे, समर में कॉटन के प्रोडक्ट्स खरीदोगे, विंटर वुलन प्रोडक्ट्स खरीदोगे, तो प्राइस बढ़ने के बावजूद क्या हो रहा है, डिमांड हमारी इंक्रीज हो रही है। तो ये हमारे पास चीज किसके अंदर आती है बेटा, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर कवर्ड अंडर एक्सेप्शंस टू प्रॉफिट। हमने आज के लेक्चर में क्या कवर करा है, आज के लेक्चर में बेसिकली हमने पूरी की पूरी लॉ ऑफ डिमांड की बात करी। हमने कहा लॉ ऑफ डिमांड क्या है, लॉ ऑफ डिमांड बेसिकली स्टेट्स द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड कीपिंग अदर फैक्टर्स कॉन्स्टेंट, लैटिन में सेटेरस पैरिबस। हमने अजम्पशंस भी डिस्कस कर ली, हमने शेड्यूल भी देख लिया, हमने ग्राफ भी देख लिया, हमने कहा क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से लॉ ऑफ डिमांड होता है, और हमने लास्ट टॉपिक कैसा कवर करा, हमने लास्ट टॉपिक कवर करा व्हाट आर दी एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड। ऐसा कब होता है, जब प्राइस बढ़ने के बावजूद डिमांड को बढ़ाया जाता है, जब प्राइस कम होने के बावजूद डिमांड को कम किया जाता है, उसकी हमने ये 7 एक्सेप्शंस देखी। अब इस टॉपिक को कवर करने के लिए मेरे ख्याल से मुझे लास्ट एक क्लास लेगी या मैक्सिमम दो, एंड हम इस चैप्टर को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। इफ यू फाइंड टुडेज क्लास फ्रूटफुल, आई वुड लाइक यू ऑल टू लाइक आवर वीडियो, लीव योर वैल्यूएबल कमेंट्स एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। सो ये हम लोगों ने आज की क्लास में अपने थर्ड लेक्चर के अंदर डिमांड का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एक बहुत सिग्निफिकेंट कॉन्सेप्ट लॉ ऑफ डिमांड पूरे तरीके से खत्म कर लिया। आपके सामने हमारी वेबसाइट का लिंक भी है, आपके प्ले स्टोर के सामने ऐप भी है, एंड यू कैन कॉन्टैक्ट देवर नंबर फॉर क्लासेस ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन। थैंक यू एवरीवन, होप यू हैव अ नाइस डे।